उत्तर प्रदेश की जनपद शाहजहांपुर के जिला महिला अस्पताल में उस समय हड़कंप मच गया जब प्रसव के दौरान प्रसव पीड़ित महिला राखी की मौत हो गई, तो वहीं मृतक महिला की बहन काजल ने डॉक्टर पर रुपये लेकर इलाज करने के साथ साथ इलाज में लापरवाही बरतने का भी आरोप लगाया, जिससे गुस्साए परिजनों ने अस्पताल के अंदर हंगामा करना शुरू कर दिया, जहां मृतक महिला की बहन काजल ने अपनी बहन राखी की मौत का जिम्मेदार डॉक्टर किरण को बताया है। मामला शाहजहांपुर मेडिकल कॉलेज के महिला जिला अस्पताल का है, जहां पर राखी पत्नी संजीव राठौर निवासी चौभुर्जी प्रसव पीड़ा के दौरान मेडिकल कॉलेज में स्थित महिला अस्पताल के प्रसूति गृह में परिवार रविवार को काजल को लेकर पहुंचे, जहां पर डॉक्टर किरण से देखने के लिए कहा गया, लेकिन डॉक्टर किरण ने पहले देखने से मना कर दिया और देखने के लिए आनाकानी करने लगी। जब काजल राठौर से कहा कि मेरे पास आयुष्मान कार्ड भी है, लेकिन डॉक्टर किरण ने फिर भी साफ मना कर दिया, जिसके बाद मृतक महिला की बहन के द्वारा काफ़ी हाँ हुजूरी और खुशामद करने के बाद प्रसव पीड़ित का इलाज चालू किया गया। वहीं गंभीर हालत बताते हुए प्रसव पीड़िता के परिवार से रुपए की मांग की जा रही थी, डॉक्टर के द्वारा 8,000 रुपये जमा करा लिए गए, जिसके बाद ऑपरेशन शुरू किया गया। वहीं ऑपरेशन के तत्काल बाद प्रसव पीड़िता की हालत खराब होने लगी, तो परिजन द्वारा कई बार डॉक्टर को सूचना दी गई, लेकिन उसके बावजूद भी डॉक्टर प्रसव पीड़िता महिला को देखने नहीं आए। यहां प्रसव पीड़िता महिला की हालत बिगड़ने लगी और इसके बाद उसकी मौत हो गई। इसका क्या नाम है? हमने डॉक्टर किरण से कहा मेरी बहन की तबीयत ठीक नहीं है, हम उनके घर पे गए थे 6 बजे अभी शाम को। अच्छा, मेरी बहन की तबीयत हमें कुछ ठीक नहीं लग रही थी, हमने कहा मेरी बहन की तबीयत सही नहीं है, आप लोग प्लीज चलिए एक बार एक बार आप चेकअप कर लीजिए। तो कहती है वही तो कह रहा हूं, पोस्टमार्टम तो सब मेरी फोन पे बात हो जाती है और आपको यहां मेरे घर बार बार आने की जरूरत नहीं। जी किसने कहा? किरण मैम ने। अच्छा फिर? हमने कहा मैम प्लीज़ एक बार चेक कर लीजिए, बोली आप यहाँ से जा सकती हैं, हमने बात कर लिया अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो सबसे पहले मेरे पास फोन आएगा, हमने उनके भरोसे ऑपरेशन करवाया था, ऑपरेशन करवा लेंगे, 8,000 रुपये उन्होंने हमसे लिए। कितने? डॉक्टर किरण ने? डॉक्टर किरण ने कितने पैसे लिए? 8,000 रुपये। अच्छा, ऑपरेशन कब हुआ? कोई फ्री में मेरा ऑपरेशन नहीं हुआ था, लोग समझते हैं सरकारी हॉस्पिटल में फ्री में हो जाता है, कोई फ्री में नहीं होता, यहाँ लोग पैसे खा के काम करते हैं। बेटा ऑपरेशन कब हुआ था? ऑपरेशन आज सुबह हुआ था 9 बजे। इन्होंने भी 500 रुपए कई लोगों के, कई लोगों को पैसे दे चुके हैं, पता है 1200 रुपए, 1200 रुपए से वो आशा वो ले रही है, 1200 रुपए आशा को दिए, 8,000 रुपए किरण मैम को दिए, और उसके बाद भी देखने नहीं है। उसके बाद भी मेरी बहन को मार दिया, डॉक्टर को सही सलामत किया, मैंने बंगले पे गया था पीछे को, इनका पीछे का बंगला पड़ता है, यहाँ पे जो करोना गार्ड बैठते हैं उनसे पूछे, हमने उनसे कहा मुझे किरण मैम के घर जाना है, उन्होंने बड़े मुश्किल से मुझे उनके घर जाने दिया। किरण मैम ने पता पैसे की वजह से पहले तो ऑपरेशन करने के लिए ही मना कर दिया था, बोली हम ऑपरेशन नहीं करने करेंगे, क्योंकि हमने कहा था मेरे पास आयुष्मान कार्ड है, पहले हमने एक बात रखी अपनी उनके सामने, देखिए वो क्या कहती, तो वो बोले आयुष्मान कार्ड है ऑपरेशन हो ही नहीं सकता, मेरी ओपीडी में उन्होंने कहा कोरोना पॉजिटिव निकल आया है, इसलिए हम ये करेंगे नहीं, दूसरी ओपीडी मेरा किसी के ऊपर हक थोड़ी ना है, तो उन्होंने ये बहाना कर दिया। उसके एक घंटा नहीं पिता, हम निराश होकर पैसे लेने, हमने कहा मैम आयुष्मान वाली कार्ड वाली बात आप भूल जाइए, हमसे गलती हो गई, क्योंकि मेरी बहन दर्द में तड़प रही थी, हम क्या करते हैं, हमने कहा मैम मुझसे गलती हो गई, हमने आयुष्मान का कार्ड का नाम लिया, ये रहे पैसे, आप चलो बस ऑपरेशन कर दो। पहले बोली हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, एक घंटे में अच्छा आ रहे हैं, पैसे हमें मत दिखाओ, पैसे उन्होंने लिए आशा के हाथ से, मेरे हाथ से पैसे नहीं लिए। क्या नाम है आशा का? आशा के हाथ से पैसे लिए। आशा आशा का नाम जानती हो? आशा को हम नहीं नाम नहीं जानते हैं, आशा जानते हैं। हैं। घर खुद का यहाँ पर है। नाम हमें उनका नहीं पता। फिर बेटा आप क्या चाहती हो? क्या चाहती हो? हम लोग कार्रवाई चाहते हैं, बिल्कुल होगी सस्पेंड किया जाए डॉक्टर किरण को, और जितने भी ये जो यहाँ पे स्टाफ काम करता है ये पैसे खा के काम करता है, कोई फ्री में काम नहीं करता, ये सिर्फ नाम है यहाँ पे सरकारी हॉस्पिटल और कुछ नहीं। जो भी कार्रवाई, बताइए क्या हुआ? अभी मैं जिला अस्पताल आया, मेरे मित्र करण जी हैं, उनकी सिस्टर यहाँ एडमिट थी, आज उनकी डिलीवरी होनी थी, डिलीवरी हुई, डिलीवरी के बाद घोर लापरवाही के कारण उनकी मृत्यु हो गई, उनसे 8,000 रुपये भी ले लिए, जो सबसे ज़्यादा बदतमीज डॉक्टर है किरण गुप्ता, उसकी आए दिन यही लापरवाही होती है, आए दिन वो ये सब कर रही है,
पता नहीं वो क्या चाहती है, उसकी क्या मंशा है, या क्यों ऐसा कर रही है, किसी को क्यों परेशान कर रही है। और वो अंदर सोती रही और पेशेंट बाहर तड़पता रहा, लेकिन वो अंदर से निकल के बाहर नहीं आई। घोर लापरवाही के कारण उसकी मृत्यु हुई है। पुलिस प्रशासन दबाव बना रहा है, इस मामले को निपटाओ, लेकिन हम निपटाने की सूरत में नहीं है और ना ये मामला निपटेगा जब तक किरण गुप्ता के खिलाफ कोई घोर कार्रवाई नहीं होगी। अगर अभी निपटा देंगे तो हम कल सड़कों पर बैठ जाएंगे, आंदोलन करेंगे, किरण गुप्ता को हटना होगा, क्योंकि हम ये नहीं चाहते हैं कि और किसी के साथ ये घटना हो। किसी वरिष्ठ अधिकारी से बात हुई है? जिलाधिकारी के महोदय के संज्ञान में हमने ये बात डाल दी है, सिटी मजिस्ट्रेट के संज्ञान में भी डाल दी है, CO साहब से भी मेरी बात हुई है। उन्होंने यही कहा है कि आप हमें आश्वासन दिया है, उन्होंने कहा है कि आप हमें जो तहरीर दीजिए, हम जो उचित कार्रवाई होगी वो करेंगे, जाँच करवाएंगे।